Hello everyone. Today we will read the poem Fire and Ice, composed by an American poet, Robert Lee Frost, who is known for his simple but thoughtful poems worldwide. And Fire and Ice is one of Robert Frost's most popular poems. It was published in December 1920 in Harper's Magazine. According to one of Frost's biographers, Fire and Ice was inspired by a passage in Canto 32 of Dante's Inferno. So let us read the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. The poem Fire and Ice raises a question about the fate of the world, whether it would end in fire or in ice. जो poem है Fire and Ice, ये दुनिया के अंत होने को लेकर कुछ सवाल उठाती है, विचार करती है कि क्या इसका अंत fire में होगा, यानी आग से होगा, या फिर तापमान के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, या फिर तापमान के बहुत ज्यादा घट जाने से, यानी कि बर्फ से. सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से आइस. सो पॉइंट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो फायर में होगा और कुछ कहते हैं कि आइस में होगा. सो हियर द पॉइंट कंपेयर्स द फायर विद द ह्यूमन emotion of desire, and he compares ice with the human emotion of hatred, or that is lack of sensitivity. So यहाँ पर ये जो poem है एक तरह से प्रतीकात्मक poem है, जिसमें कि जो poet है वो fire की तुलना किससे करता है, desire से, उसकी इच्छाओं से, उसकी महत्वाकांक्षाओं से, उसकी प्रश्ना से, और जो आइस है उसकी तुलना, जो बर्फ है उसकी तुलना किससे करता है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनहीनता से, हैट्रेड से, नफरत से. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट फायर इज अ सिंबॉलिक ऑफ डिजायर एंड आइस इज सिंबॉलिक ऑफ हैट्रेड. सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो जैसा भी जो पॉइंट कहता है कि जैसा भी मैंने डिजायर के बारे में जाना है, आई होल्ड विद, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि हु फेवर फायर. फेवर मीन्स सपोर्ट, जो लोग फायर को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर में होगा, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. So वो कहता है लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार अंत होना हो, तो perish means to die or end, ना, कि अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना हो, so I think, तो मैं सोचता हूँ कि जो hatred है, यानी कि जो ice है, to say that for destruction, कि जहां तक destruction में ये जो तबाही है, जो खत्म होना है, जो नष्ट होना है, ये आइस के लिए भी, आइस भी जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा एंड वुड सफाइस. सफाइस मीन्स टू बी सफिशियंट और इनफ, ये भी एक पर्याप्त है अपने आप में और एक बहुत बड़ा कारण है दुनिया को खत्म करने का. सो हालांकि जो पॉइंट है ही कंसिडर्स द फायर is more competent and the
and strong also. But and as far as ice is concerned, it is slow and steady. ये बहुत ही धीमा है लेकिन, और जबकि जो फायर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत कारण है और बहुत ही एक तीव्र कारण है जो कि दुनिया को बड़ी जल्दी से खत्म कर देगा. लेकिन वो कहता है कि जो आइस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए. दैट मीन्स कि अगर हम केवल अपने डिजायर्स की बात करें तो केवल वही एकमात्र कारण नहीं, महत्वाकांक्षाएं तृष्णा ही कारण नहीं है सब कुछ खत्म हो जाने का या खत्म कर देने का, बल्कि जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, हैट्रेड है, दीज आर ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी. तो नाउ वी विल डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम. So this poem, Fire and Ice, discusses the end of the world. And Robert's first poem, Fire and Ice, is a strong symbolic poem. Here fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred. So ये poem है Fire and Ice, इसमें दो प्रतीकों का फायर एंड आइस इनका प्रयोग किया गया है और जो दो मेन इमोशंस हैं डिजायर एंड हैट्रेड यानी कि इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं और नफरत घृणा उनके लिए. द पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड would end in either of two ways, either by fire or ice. So यहाँ पर ये जो poem है ये विचार प्रस्तुत करती है कि जो दुनिया है ये दो तरीकों से खत्म होने की संभावना रखती है, या तो fire से यानी कि आग से यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, और या फिर बर्फ से. Both the components are compared with self-destructive human emotions, desire and hatred. So these components, fire and ice, are compared with self-destructive human emotions. And what are they? Desire and hatred. So ये जो fire and ice हैं इनको compare किया गया है जो मानवीय भावनाएं हैं और जो कि खुद को विनाश करने की संभावना और क्षमता रखती हैं, ऐसी दो भावनाएं इच्छाएं और घृणा या नफरत. द पोएट कंसीडर्स द फायरी डिजायर्स मोर कॉम्पिटेंट फॉर डिस्ट्रक्शन बट देन ही थिंक्स दैट आइसी हैट्रेड इज जस्ट एज कैपेबल ऑफ क्यूरिंग द वर्ल्ड दो स्लोली एंड स्टेडली. जो पोएट है वो ये सोचता है, ये मानता भी है कि जो फायरी डिजायर्स हैं, आग की तरह जो इच्छाएं होती हैं, इतनी तीव्र इतनी प्रबल, वो कहीं ज्यादा क्षमता रखती हैं दुनिया का विनाश करने की. लेकिन वो साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि जो आइसी हैट्रेड है, संवेदनहीनता है, नफरत है, तो ये भी उतनी ही क्षमता रखती है दुनिया को नष्ट करने की, हालांकि थोड़ा सा धीमे रफ्तार के साथ. Thus, the poem supports the philosophy that we let our emotions rule us and we don't control them, they will surely bring the world to a catastrophic end. इस तरह से ये जो poem है ये एक ऐसे दर्शन को, एक ऐसे विचार को प्रस्तुत करती है और उसको उसका समर्थन करती है कि अगर हमने अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को हमें शासन करने दिया, हम पर हावी होने दिया, और अगर हमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, हमने उन पर नियंत्रण नहीं किया, तो वो निश्चित रूप से दुनिया को एक महाविनाश की तरफ ले जाएंगी. कैटास्ट्रोफी मतलब विनाश. सो नाउ वी विल नो
But the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme is the sound of the last word of a line in a poem. As fire, ice, desire. So these are last words of a line and the sound of the last word. So look at the lines. First of all, fire. We will give it A. And fire matches with desire. So we will also give it A. And now in the second line, ice. And the same sounding word is twice. And ice again. And suffice. So we will give it B. And now again in the fourth line, fire. So it is also A. And here in this line, hate. So hate matches with great. So we will give it C. So we see that the rhyme scheme of the poem is ADA, ABC and BCB. So the rhyme scheme of the first three lines is ABA. And second three lines ABC. And last three lines BCB. So this is the rhyme scheme of the poem. So now we will discuss the various literary devices used in the poem. So first of all, the use of symbolism. There is a strong symbolism in the poem, in the words fire and ice. Fire stands for desire and ice stands for hatred. There is a great symbolism in the poem. Second one is anaphora, means use of some words or expressions used in two consecutive lines, as some say. And in the second line you can see some say. So here is use of anaphora. And another literary device is alliteration. It is the use of consonant sound at the start of words, as fever, fire. So here is the use of alliteration. And the poem is written in a single 9-line stanza. And the poem's meter is an irregular mix of iambic, tetrameter and diameter. So these are some literary devices used in the poem. So I hope you must have liked the poem. So thank you, all of you.